नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। जनपद उन्नाव की गिरती कानून व्यवस्था पर पुलिस ने आज एक गुड वर्क करके अपने सितारे फिर से चमकाए हैं। जी हां, 19 जून को गंगागढ़ थाना क्षेत्र के सार्जनी में एक युवा पत्रकार की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसमें शुक्लागंज की लेडी डॉन कहलाने वाली दिव्या अवस्थी का नाम प्रमुख था। मृतक शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या में शामिल नौ वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी परेशानी का सबब थी। इन सबके बावजूद पुलिस ने तीन शूटर समेत दिव्या अवस्थी, कन्हैया अवस्थी व एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बीते एक हफ्ता पूर्व पुलिस ने प्रेस वार्ता की थी, जिसमें हत्या में शामिल एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन मुख्य आरोपी दिव्या अवस्थी व उसका पति कन्हैया अवस्थी फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पांच टीमें लगाई थी, जिस पर एसओजी ने बीते दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हत्या को लेकर आईजी लक्ष्मी सिंह व एडीजी एसएन सावत लगातार जिला पुलिस पर दबाव डाल रहे थे, जिसका नतीजा था कि पुलिस ने लेडी डॉन दिव्या अवस्थी की गिरफ्तारी की और उनके पति व तीन शूटरों को भी गिरफ्तार किया। शुभम मणि त्रिपाठी की थाना गंगा क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक महोदय द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसके पूर्व तीन अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए थे और घटना का खुलासा कर दिया गया था। पुनः आज इसके छह अभियुक्त गिरफ्तार करके लाए गए हैं और इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलें, तीन तमंचे 315 बोर के कारतूस, खोखा कारतूस, एक कार जो इस्तेमाल की गई थी, ये सारी चीज़ें बरामद की गई। घटना में क्या कर रहे शामिल जो मुख्य अभियुक्त, जिनका नाम एक नंबर दो नंबर पे था, दिव्या अवस्थी, कन्हैया अवस्थी और जो प्रकाश में आए हैं, तीन अभियुक्तों पे 10,000 का इनाम था। कुल छः अभियुक्त गिरफ्तार किए। राय देखिए जनता से की गई है, कल गिरफ्तार किए गए, एक अभियुक्त आज गिरफ्तार हुआ। क्या इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी होगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाए गैंगस्टर की, अभी चूंकि योजना चल रही है, इसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।